हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पुदीने की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये देखिए, मैंने मिक्सी का जार रख दिया है, उसके बाद मैंने इसमें 4 से 5 ग्रीन चिली ऐड किया है और 4 से 5 लहसुन की कली और 2 टुकड़े मैंने अदरक के ऐड किए हैं। अभी मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डालूँगी और 2 चम्मच मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। खड़ा धनिया पिसा हुआ भी डाल सकते हैं आप, मैंने इसमें खड़ा धनिया डाला है। ये देखिए, अभी हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना देखिए मेरे घर का ही है, मैंने छत पे लगाया है, वहीं से काट कर लाई हूँ मैं पुदीना। पुदीने की चटनी बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है, इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। मैं इसके साथ हमेशा अजवाइन के पराठे बनाती हूँ, तो उसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। अभी मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, आप अपने स्वाद के अनुसार भी नमक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये देखिए, मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अभी हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, देखिए, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए, साइड में कपड़ा रखा है, जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो हमेशा मेरे हाथ में कपड़ा ज़रूर रहता है। ये देखिए, मैंने मिक्सी में इसको ग्राइंड करने के लिए रख दिया है। 2 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी चटनी बनकर तैयार होगी। अभी हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने बाउल में निकाल लिया। इसके छोंके के लिए मैंने चम्मच में 1/2 चम्मच ऑयल लिया है, आप सरसों या रिफाइंड कोई भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच जीरा डाला है। ये देखिए, और हम इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद हम इसको छोंके में डाल देंगे। ये देखिए, मैं चटनी के ऊपर ऐड कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए, हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। थैंक